प्रश्न डॉक्टर जे पी एस चौहान का अर्थवेद में भगवान कहते हैं मैं अकेला ही दस हजार के बराबर बल, हूँ आत्म बल दृष्टि श्रवण शक्ति दस हजार के बराबर मेरा अपान और बयान भी दस हजार के बराबर मैं सारा का सारा दस हजार के बराबर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है <laughs> ये सब एक अद्वैतवादी को बड़ा अजीब सा और मैग्लोमेनिय <laughs> लगता है पहली बात अगर आप अद्वैत दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आप फिर द्वैतवादियों के ग्रंथ को पढ़ ही क्यों रहे हैं लॉल दैट इज माय ऑब्जेक्शन हम लोग बचपन में जब वेदांत सीखते थे पढ़ते थे तो हमारे आचार्य ये कहते थे कि अगर तुमने वेदांत को समझना है तो द्वैतवादियों का दर्शन भी नहीं करो तो अपना अद्वैत स्वरूप का चिंतन करना है तो द्वैतवादियों के शास्त्र से दूर द्वैतवादियों को मित्र भी नहीं बनाओ एंड दैट विल बी गुड फॉर यू तो मैं आपसे पूछती हूँ एक तरफ आप कह रहे हो मैं द्वैतवादी हूं तो फिर ये वाला क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जहां पर द्वैत द्वाइत दर्शन आ जाएगा या जिसे हम विशिष्ट अद्वैत भी कहते हैं वहां पर ईश्वर और जीव की सामर्थ्य का भेद दिखाया जाता है हमारे बहुत सारे शास्त्र बहुत पोएटिक है सो इट्स अ पोटिक एक्सप्रेशन के ईश्वर कह रहा है कि मेरे दस हज़ार आँख दस हज़ार कान भाई उस समय तो हो सकता है संख्या हमारे भारत की इतनी हो या विश्व की ही इतनी हो इसलिए वो दस हजार कह रहे आज अगर कहीं कोई ईश्वर कोटी वाला बोलेगा तो वो कहेगा कि मेरे ढाई बिलियन टू पॉइंट फाइव बिलियन आईज एंड आई हैव टू पॉइंट फाइव बिलियन ईयर एंड आई है बिलियन ऑफ शक्ति इन मी सो दैट इज एक्चुअली स्पोकन बाई दैट Ishwar for a reason कि सब जीव मेरे ही आधीन है ये सब जीवों के माध्यम से मैं ही कार्य करता हूँ जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं है सारी शक्ति मेरी है तो ये द्वैत दर्शन में तो ऐसा ही होता है तो उसमें मैगलो मैंने बड़ा खतरनाक शब्द आपने फिट कर दिया तो मैं नहीं समझती हूँ कि यह उचित बात है जैसे ईश्वर कोठी में रहते हुए कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि सबको जन्म मैं देता हूँ पिता हमस्य माता मैं ही माता बन के सबको जन्म देता हूँ पिता हमस्य हो मैं सारे जगत का पिता हूँ तो तुम कहोगे लो जी कृष्ण जी तो पैदा हुए अभी कुछ हजार साल पहले तो जगत तो उससे भी पहले था तो जगत उनसे कैसे हो गया ऐसा कैसे कृष्ण बोल सकते हैं पर आप कृष्ण के शरीर को देख करके ये बात कह रहे हैं और कृष्ण अपने आप को अशरीरी ईश्वर माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर जानते हुए वो बात कह रहे तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है तो थोड़ा दर्शन शास्त्र को अच्छे से देखने की प्रयास करिए भगवत गीता में हमें द्वैताद्वैत दर्शन भी मिलता है अद्वैत दर्शन भी मिलता है तो किसी अच्छे आचार्य से बैठ कर के या तो सीख समझ लें नहीं तो जो मैंने बोला है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए पर आचार्य क्या है जो भक्ति मार्ग का आचार्य है उसकी व्याख्या उसके अनुसार होती है अद्वैत दर्शन वाला होगा शंकर मत का तो वो गीता की व्याख्या अपने ढंग से करता है तो हर आदमी अपने संप्रदाय के नियमों के और मर्यादा के अनुसार उसको बोलता है मैं चूंकि किसी एक मर्यादा या किसी एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती हूँ इसलिए भक्ति ज्ञान योग सांख्य हम सबको लेते हुए सबके दृष्टिकोण को समझते हुए सबके दृष्टिकोण के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका जहाँ मन बुद्धि रुच जाए बस उसने हिस्से को पकड़ लीजिए पर ये याद रखिए कि हमारे भारत में दर्शन शास्त्र में छह दर्शन शास्त्र हैं तो मोटा मोटी कहें तो देर आर सिक्स डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलासफी फंक्शनिंग इन आर कंट्री सो आप किस स्कूल को मानते हैं समझते हैं तो पहले तो उसमें शोध कार्य अच्छे से कर ले और फिर अगर दर्शन शास्त्र में अच्छे से रुचि हो तो उनसे बड़ी बात है आप तो डॉक्टर हैं कुछ भी कर सकते हैं चौहान हैं कुछ भी कर सकते हैं तो अपने अज्ञान रूपी इस दीवार को तोड़ेंगे तो बहुत कुछ जानने को है बहुत कुछ समझने को है प्रेम स्वरूप गुलाटी मथुरा से पूछते हैं निर्मल मन से भजन होता है और भजन करने से मन निर्मल होता है चक्कर हो गया ना निर्मल मन होए तो भजन करें और भजन करेंगे तो ही मन निर्मल होगा ये बातें दोनों ही सच हैं ये तो ऐसे हो गई जैसे एक आपके चोट लग गई आप डॉक्टर के गए तो डॉक्टर कहता है कि भाई पहले तो मैं अपने ऑपरेशन थिएटर को सेफ करूंगा स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट सब स्टरलाइज करता है फिर वो अपने हाथों को स्टरलाइज करता है ग्लव्स पहनता है फिर वो आपके जख्म में अंदर चेकिंग करता है अब आप कहेंगे कि भाई हमारा तो जख्म ही खून से लबालब भरा पड़ा है तो इतना सारा आप स्टरलाइजेशन क्यों कर रहे हैं स्टरलाइजेशन इसलिए ताकि बैक्टीरिया और जो वायरस का कोई डॉक्टर के हाथों से डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स से आपके उस जख्म में अंदर एंट्री नहीं हो जाए सबसे सोच सकता है जहर फैल सकता है तो वो निर्मल कर रहा है हाथों को भी इंस्ट्रूमेंट्स को भी घाव को ठीक करना है तो घाव को भी निर्मल बनाना है बैक्टीरिया रहित बनाना है इसलिए ये प्रोसेस को करना जरूरी है। ऐसे ही भजन करने की भावना हो तो ये भी मन को निर्मल करती है शुभ कर्म करें ये भी मन को निर्मल करती है तो अब निर्मल किए हुए मन से जब भजन करने बैठेंगे तो मन अटरली शियरली एंड प्योरली इट विल गेट प्योरीफाइड फर्दर इट विल गेट ब्यूटिफुल सो इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस निर्मल मन से भजन भजन से और निर्मल हो गए दूसरा प्रश्न प्रेम स्वरूप गुलाठी भजन करने का मन होता है पर संसार भी छोड़ा नहीं जाता कोई उपाय बताए भाई साहब क्या कहें अब या तो भजन करना छोड़ दो या संसार छोड़ दो। दोनों नहीं छोड़ते तो सवाल करना छोड़ दो ये भी नहीं छोड़ सकते तो फिर मेरा जवाब सुनो जवाब ये है संसार छोड़ने की वस्तु नहीं है अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ आपने सर्दी हो या जुकाम हो या मुंह गंदा हो आपने एक नैपकिन लिया पेपर नैपकिन आपने मुंह साफ किया अब इस साफ किए हुए नैपकिन को अपनी तिजोरी में रखेंगे कि कूड़े में फेंकेंगे कूड़े में फेंके मतलब किसी डस्टबिन में फेंकिएगा हमारे मोदी जी कहते हैं स्वच्छता रखिए तो कूड़ा कचरा जो है नहीं फैलाना नहीं चाहिए तो वेन यू यूज टिश्यू पेपर वट यू डू यू जस्ट थ्रो इट इन डस्टबिन क्या आपको उस टिशू से मोहब्बत हो जाती है हाय अब मैं तुम्हें कैसे फेंकूँ तूने तो मेरी गंदगी साफ़ करी थी राइट right? टिशू को छोड़ दिया ऐसे ही संसार की सब वस्तुएं यूज एंड जस्ट लीव इट थ्रो यूज़ एंड थ्रो यूज़ एंड थ्रो दैट इज़ हाउ वट संसार शुड बी टेकल्ड विद डोंट टू पोजेसिव एंड ऑबसे करने का है पर उसके साथ जुड़ने का नहीं है आपका मन निरासक्त रहेगा और निरासक्त मन के साथ फिर भजन भी अच्छा होगा अभी क्या है मन तो लगा है दुनिया में भजन करो भजन करो कह रहे महात्मा लोग और भजन होता नहीं है तो बड़ा गिल्ट होता है कि अरे भाई ये क्या बात है हमसे भजन क्यों नहीं होता हम सब कर लेते हम भजन क्यों नहीं कर सकते पर फिर भी नहीं होता है देर इज नॉट नीड टू बीट योर सेल्फ द ओनली थिंग इज के संसार से अपने संबंध को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मीठा रहिए मीठे बोलिए व्यक्ति हों उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए न राग न द्वेष मन आपका अच्छा जुड़ जाएगा और मन में दुश्मनी पाली बैठे तो कहे मैं ध्यान कर लूँ, हो गई नहीं मन में किसी यार की यादें आ रही हैं, तुम कहो मैं ध्यान कर लूँ, हो गई नहीं। तो ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ऐसा दृष्टिकोण रखना आवश्यक है तभी भजन हो सकता है हरिओम जाट जयपुर से किसी व्यक्ति का देहांत तो होने पर अक्सर यह प्रार्थना की जाती है प्रभु उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे क्या आत्मा अशांत होती है यदि हाँ तो उसे शांति कब मिलती है देखिए हरिओम जी बहुत सुंदर नाम आपका आप तो जिनको जिनको मिलते होंगे ना उनका तो कल्याण हो गया क्योंकि आपकी शक्ल देखती वो ओम 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 सब करते हैं तो ओम जी मन अशांत होता है आत्मा कभी अशांत नहीं होती है तो लोग ये बिल्कुल गलत बोलते हैं कि प्रार्थना पूजा या पिंड भराओ तो आत्मा की शांति होती मन अशांत होता है आत्मा हमेशा शांत स्वरूप है निर्मल स्वरूप है सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है तो मन की अशांति क्यों मन में आ सकते हैं ना बंदा मर गया मन पड़ा है पत्नी में बच्चे में घर में ओ, और सब छूट रहा है और वो छोड़ना नहीं चाह रहा और मौत हो गई तो वो अशांति है शांति में जो प्राण चले गए तो उसके लिए उसकी जीवात्मा के लिए हम जीवात्मा मतलब द रिफ्लेक्टेड सेल्फ इन माइंड इज कॉल्ड जीवात्मा आत्मा ही का ही जो प्रतिबिंब है मन रूपी दर्पण में उसी को जीवात्मा हम कहते हैं तो जीवात्मा भटकती क्योंकि वो मन जुड़ा है ना तो मन में दुख सुख आसक्ति लोभ मेरा 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 की भावना वो बहुत दुख देती तो इसलिए कहा कि दिवंगत के लिए कहना चाहिए दिवंगत जीवात्मा के लिए जो मर गया है उसके लिए उसकी आत्मा के लिए तो बात ही नहीं बनती है पर ये एक ऐसा बैड स्टेटमेंट है जो सभी धार्मिक लोग बोलते रहते हैं बिना जाने कि वो क्या कह रहे हैं तो आत्मा की शांति के लिए नहीं उसके मन की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है विनोद सैनी मुंबई स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाए स्मरण शक्ति तब बढ़ेगी जब आपका मन ज्यादा सोचना बंद कर दे अभी तो है ना हजार तीर मन में चलते रहते ये 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 और क्योटिक माइंड इसीलिए कुछ भी सोचते हैं आप तो वो आपकी सोच के सागर में आपकी वो यादें डूब जाती हैं इसको कहते हैं स्मरण शक्ति का कम होना तो स्मरण शक्ति अच्छी करने का नुस्खा ये है अपने मन को कदाचित शांत बनाइए विचार कम हो सो सिट डाउन फोकस योर माइंड ऑन योर ब्रेथ और नोज बिगिनिंग यहाँ पर और एट द टॉप ऑफ़ हेड या खुल के बाहर चित्र पर गुरु का चित्र पर फूल पर तारे पर चांद पर सूरज पर किसी पर भी एकाग्रता त्राटक करें प्राणायाम करें तो ज्यों ज्यों मन खाली होता जाएगा निर्विचार होता जाएगा द रिसेप्टिविटी जो हम इंद्रियों से देखते हैं वो सब चीज़ें आपके अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ रजिस्टर हो जाएंगी तो फिर कभी भूलता ही नहीं है बिल्कुल नहीं भूलता है तो स्मरण शक्ति के लिए टॉनिक की ज़रूरत नहीं होती है हाँ मेरी कोई कंपनी होती तो मैं जरूर कहती कि हमारी कंपनी का बनाया हुआ ये टॉनिक पीजिए और स्मरण शक्ति तेज कीजिए बट अफसोस मेरी कोई कंपनी नहीं है आई एम नॉट अ बिजनेस वूमेन आई हैव नो फैक्ट्री आई एम नॉट सेलिंग एनी इसलिए बस इतना ही कहूँगी प्राणायाम करिए त्राटक करिए मन खाली करिए और दूसरे वैसे कुछ चीज़ें भूल जाना अच्छा ही होता है सब कुछ याद करके करोगे भी क्या पर लिकी मेमोरी आई कैन अंडरस्टैंड इज़ नॉट वेरी गुड सो टू इम्प्रूव योर मेमोरी प्लीज़ क्रिएट स्पेस इन योर माइंड सेट क्वाइटली लिसन टू द साउंड ऑफ विंड्स हवा चल रही हो उसकी आवाज़ को सुनिए कोई संगीत बजा रहा हो उसको सुनिए क्लासिकल म्यूजिक सुनिए और नहीं तो कुछ भी ना सुनिए कान खाली मन खाली और श्वास गहरा रखिए स्मरण शक्ति आपकी अच्छी हो जाएगी मैं योग निद्रा ठीक से नहीं कर पाता बीच में नींद आ जाती इसका क्या कारण वो इसलिए क्योंकि आपका शरीर और मन थका हुआ है बहुत अधिक दौड़ दौड़ दुनिया की सोच कर करके शरीर भी थक जाता है और मन भी थक जाता है और योग निद्रा में जब आप फिर प्रयास करते हैं कि मैं इस क्रिया को करूं तो आपकी थकान टेकओवर कर लेती है तो नींद आ जाती है इसलिए योग निद्रा करने की चाहत जो रखें दे दैट बिफोर डूइंग योग निद्रा सी दैट यू आर नॉट टायर्ड और एग्जॉस्टेड और इफ़ यू प्रीवियस नाइट देन बेटर स्लीप फॉर सम टाइम आधे घंटे सो लीजिए फिर मुंह हाथ धोइए थोड़ा uh, हिल लीजिए डांस कर लीजिए धूप में घूम लीजिए थोड़ा वेकअप करके और फिर फिर थोड़ा सा शरीर को स्ट्रेचिस करिए स्ट्रेचिस करना मतलब आप चानू शीर्षासन करो आप पश्चिमोत्तानासन करो रिलैक्सिंग पोजिश करिए एक दफ़े ये कर लिया श्वास ठीक है शरीर रिलैक्स्ड है लेट जाइए आँख बंद करिए और योग निद्रा करिए संभावना है कि अब आपको नींद नहीं आएगी uh, वैसे जिस चीज की जरूरत होती है वही होता शायद नींद की आवश्यकता है इसलिए नींद आती है नींद ना आए तो थोड़ा प्रॉपर तैयारी इसकी आप कर लेंगे नैना जोशी वडोदरा से तीर्थ स्थान पर एक साधक को कैसे रहना चाहिए पूजा अर्चना साधना कैसे करनी चाहिए नियम ये कहता है कि दिन में न सोए एक समय खाए रात्रि को कम से कम माने अगर ऐसे सात घंटे सोते हो तो छः घंटे सो छ घंटे सोते हो तो पाँच घंटे सो तो नींद आवश्यकता से अधिक ना हो और यथा उचित बोले जब जरूरी नहीं है तो मौन रहे तीर्थ में जैसे हरिद्वार है ऋषिकेश है बनारस है वृंदावन है आप वहाँ गए मैं कईयों को देखती हूँ थैला झोला उठाया रिक्शा किया तो पंजाबी का शब्द लूर लूर मैंने ऐसे ही बिना वजह यूं यूं ही यू बस घूमते रहेंगे अभी ये देखाओ अभी वो देखाओ अभी ये घाट देखो अभी वो मंदिर देखो अभी वो पर्वत देखाओ अभी वो चोटी देखाओ ये जो पर्यटन हुआ ये ये तीर्थ सेवन नहीं हुआ तीर्थ सेवन मतलब कि ऋषिकेश आप गए तो अपनी इंद्रियों का कम प्रयोग करे कम देखे कम सुने कम बोले कम खाए सब कुछ कम 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 करे गंगा जी पे गए चुपचाप बैठ के माला पकड़ी जप करते रहे प्राणायाम करते रहे गंगा दर्शन करते रहे पर्वत का दर्शन अननेसेसरी वॉकिंग अराउंड इज नॉट बींग इन द तीर्थ दैट इज नॉट गुड एट ऑल तो तीर्थ बी विद योर सेल्फ तो मौन रहे मैं एक अपनी बात कहती हूँ जब मैं वृंदावन में बिल्कुल पहले पहले बार गई तब तो मेरी आयु उस समय करीब सोलह साढ़े सोलह वर्ष की थी हम लोग जब गए गर्मी की छुट्टियाँ थी तब तो मैं गई वहाँ पर और तीर्थ के विषय में बहुत कुछ सुना पढ़ा था तो उसमें एक बात ये थी कि तीर्थ में वृंदावन तो सारा ही पवित्र है अब हम बिहारी जी के मंदिर जाए तो ही जूता बाहर उतारे तो बाहर क्या पवित्र नहीं है तो जैसे ही वृंदावन की सीमा शुरू हुई और हम लोग धर्मशाला में एंटर किए तो मैंने अपना जूता उतार के साइड में रख दिया और फिर जितने दिन वहां रहे जूता नहीं पहना क्यों वृंदावन की हर गली पवित्र है वृंदावन का हर घाट पवित्र है छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं क्या बार बार जूता उतारना फिर जूता कोई लेना चाहिए चिंता करना तो जूते की चिंता छोड़ने के लिए जूता ही छोड़ दिया तो नंगे पाँव घूमते रहे तो फिर पैर खराब हो गए बीवाइया पड़ गई तो फिर लगा आप क्या करें तो फिर मैंने वहां खड़ाओं खरीदी तो खड़ाओं पहन ली अब खड़ा लकड़ी की है पवित्र है शुद्ध है तो पूरे समय वृंदावन में लगभग आठ दिन में तब रही थी तो आठ दिन में से पाँच दिन नंगे पाँव घूमे और आखिरी के जो दो तीन दिन थे उसमें खट 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 जहाँ जाए तो हमारा खड़ाओं का म्यूजिक चलता रहता था किसी के घर गए तो भी खट 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 तो इतना मज़ा आया खड़ाओं पहनने का तो उसके बाद फिर जब घर में भी रहती थी तो खड़ाओं ही पहनती थी मैं तो मन करे स्कूल में भी खड़ाओं ही पहन जाऊं पर वहाँ तो मेरे को घुसने नहीं देंगे स्कूल में तो स्कूल कॉलेज में फिर जूता पहनना पड़ता था जैसे घर आए फिर खड़ा कई वर्षों लकड़ी का खड़ा पहना है लगता था ये पवित्र है वृंदावन ही पवित्र नहीं मथुरा भी पवित्र है अब जिस शहर में रहते थे अमृतसर, तो गुरु की नगरी है वो भी पवित्र है ये भी पवित्र, ये भी करें। तो क्या करें सर झुकाएं तो कहाँ झुकाएं, कन कण में तेरा मंदिर है तो तीर्थ में ऐसी शुभ भावना होनी चाहिए तीर्थ में घूमने की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए अभी ये खाओ अभी ये खाओ अभी हम लोग बद्रीनाथ में थे तो देखा वहां बद्रीनाथ में गोलगप्पे की रेहड़िया लग गई और गोलगप्पे में चाट टिक्की बिक रही है जूस बिक रहा है और ठंडे बोतल की इलेक्ट्रिक ड्रिंक्स बिक रही हैं काली नीली पीली सब बॉटल्स बिक रही हैं जूसेस पैक्ड जूसेस एंड पैक्ड मिल्क बिक रहे हैं लोग पीते हैं और फेंकते हैं पीते हैं तो फेंकते हैं और पूरा बद्रीनाथ धाम को कूड़ा का घर बना करके रख दिया क्या इसको तीर्थ करना कहते है? मेरी हाथ जोड़ करके बिनती है सभी तीर्थयात्रियों से हरिद्वार जाओ ऋषिकेश जाओ उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री केदार बद्री काशी रामेश्वरम मीनाक्षी तिरुपति अमृतसर हरिमंदर साहब बंगला साहब चांदनी चौक का गुरुद्वारा शीशगंज साहब कहाँ भी जाओ मेक श्योर sure. पहली बात तुम गंदगी मत करो दो अगर वहां गंदगी है तो तुम उठाओ हमने बद्रीनाथ में आ, एक दिन सबको कहा मेरे साथ जितने लोग गए थे करीब बारह तेरह सौ लोग थे साथ में सबको कहा बद्रीनाथ की सेवा करनी है कैसे झाड़ू कटका खरीदो और झाड़ू लगाओ कूड़ा दूर करो और हमारे सब लोगों ने चरण पादुका से लेकर के और पूरा बद्रीनाथ तलक एकदम चमका दिया तो हम तीर्थ में जाके तीर्थ को गंदा ना करें पवित्र नदी में स्नान करें तो अपने शरीर का मैला उसमें ना डालें अपने पुराने कपड़े अपने जूते लोग गंगा जी में फेंक देते हैं कृपया ये नहीं करना चाहिए हम जाएँ तीर्थ को पवित्र सिर्फ मंदिर ही पवित्र नहीं वो पूरा क्षेत्र पवित्र होता है इसलिए वृंदावन की परिक्रमा होती है और पूरी परिक्रमा जहाँ से शुरू हो गई तो समझ लीजिए कहते थे अब यहाँ के बाद सारा पवित्र है तो एक दफे उस क्षेत्र में चले गए इंद्रियों का संयम मन का संयम रखते हुए खूब भजन करना खूब मंत्र करना या चिंतन करना आत्म दर्शन करना ऐसा होना चाहिए बड़ा आनंद आता है इट इज सो सो ब्यूटिफुल टू बी इन तीर्थ इट सो सो ब्यूटिफुल टू बी इन अ प्लेस विच इज पायस विच इज सेक्रेट विच इज इट्स अ होली ग्राउंड सो बी वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट इसको हम कहते तीर्थ सेवन करना और ये जरूर करना चाहिए साल में कम से कम एक बार अवश्य जरूर तीर्थ के लिए जाना चाहिए नवीन वशिष्ठ शिमला से मैं तैंतीस सालों से विपसना और क्रियायोग का अभ्यास करता हूँ दीक्षा भी ली है शरीर में कंपन और भारीपन लगता है सिर में कभी गर्मी महसूस होती है आधे घंटे से अधिक अब बैठ नहीं पाता मन भटकता है ज्यों ज्यों ध्यान कर रहा होता हूँ तो पता लगता है रोज के व्यवहार में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लग गया मेरे छिपे संस्कार बाहर आ रहे हैं क्या मैं ऐसे सोचूं और मार्गदर्शन करें मैं कैसे इन परिस्थितियों से बाहर आ सकूं ताकि मुझे बाद में गुस्से और चिड़न का पछतावा ना हो नवीन जी मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप पिछले तैंतीस वर्षों से भी पसन्ना कर रहे हैं ब्यूटीफुल बट नाउ द प्रॉब्लम इज दिस दैट विपसना करने के लिए मन सर्व प्रकार के वेगु से रहित होना चाहिए तो ऐसे हो गया कि जैसे किसी को वमन आ रहा है वॉन्ट्स टू वॉम और हम उसे कहें तुम मुंह बंद करके ना चुपचाप यहाँ बैठे रहो और विपसना करो क्या लगेगा वो वेग आएगा तो वो तो उल्टी हो ही जाएगी ऐसे ही आपके या किसी के भी मन में अगर वेग हैं क्रोध के बुरे संस्कारों के तो वो वेग जो है आपको शांत तो होकर के श्वास दर्शन काया दर्शन आना पाना श्वास का देखना वो आपके लिए करना कठिन हो ही जाएगा आप लिख ही रहे हैं कि अब आप आधे घंटे से अधिक बैठ नहीं पाते मेरी दृष्टि में बुद्ध के समय पर लोग कदाचित अधिक शांत थे कदाचित सत्वगुणी थे इसलिए उनके लिए सीधे विपसना में प्रवेश करना या अनापान सत्य योग में प्रवेश करना सहज था आज का मन बड़ा विचलित है बड़ा चंचल है बड़े वेग हैं तो मेरी दृष्टि में पहले इन वेगों से अपने मन को वेग रहित करने की जरूरत है तो हम एक प्रक्रिया सिखाते हैं जिसे मैं कहती हूँ ऊर्जा तो आप ऊर्जा ध्यान की पद्धति को करें एक बार या तो यहाँ आप आश्रम में आकर के या पॉसिबल है सितंबर माह में शिमला में हम आ रहे हैं तो वहां पर तीन दिन का कार्यक्रम होगा या तो आप उसमें नहीं तो उसके पहले यहाँ आप आश्रम में एक बार आकर के ऊर्जा पद्धति को सीखें उसका अभ्यास करें मन के सब वेगों को उलीच दें मैंने जो वो मन आ रहा है उसको कर देना ही अच्छा होता है तो उस प्रोसेस से गुजर जाने के बाद जब आप विपसना के लिए बैठेंगे तो मन शांत तो होगा बुद्धि सत्व होने की राह पे होगा क्रोध चिड़चिड़ापन झल्लाना ये सब इस बात का संकेत है कि अभी मन में बहुत डिस्टरबेंस है और आप उससे असंग भी नहीं हो पा रहे कि आप दृष्टा होकर उसे देख पाए कि कोई नहीं वेग आया है वेग चला जाएगा Uh, जब देखने की असमर्थता हो रही हो तो बेहतर यह होता है कि वेग मुक्त तो हो जाए तो ऊर्जा करें और फिर विपसना का बहुत सुंदर अनुभव आप ले पाएंगे एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है बहुत सुंदर प्रक्रिया है जिसमें कुछ नहीं करना मात्र बैठना है काया दर्शन सेंसेशंस को देखना श्वास को देखना फिर विचार को देखना फिर भावनाओं को देखना तो सूक्ष्म 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 वस्तुओं से अपनी असंगता को जानते हुए उसको दृष्टा भाव से देखना भाव तो फिर मन के होते हैं पर कहने के लिए भाषा का उपयोग तो करेंगे ना सो टू सी द माइंड एंड इट सटल टीस सर्टन पॉइज एंड सर्टन खामनेस ऑफ माइंड तो जो वेग हैं मन के इन वेगों से हमें जूझना नहीं है सिर्फ मुक्त करने के लिए प्रयास होश पूर्वक प्रयास उसकी आवश्यकता है मनहर पटेल, साधना करता हूं। 11 दिन का आश्रम में और इक्कीस दिन का मौन साधना में आश्रम में रह के करना चाहता हूं कृपया बताएं एकांत मौन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो मौन आप घर में करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत पीपल इंटरेक्शन हो जाता है बट अगर बहुत संकल्पवान हो तो दृष्टि नीचे रखें थोड़ा मुश्किल होगा uh, संकल्प से, टू मच बुद्ध कहते थे अपने शिष्यों को कि तीन कदम आगे ही देखो चार कदम भी नहीं तीन ही कदम आगे देखो और सीधे चलते जाओ और पैर जब उठे तो देखो पैर जब नीचे रखें तो देखो शरीर की क्रिया को बाह के हिलने को हाथ के हिलने को कान में शब्द जा रहा है उसको तो बीइंग अवेयर ऑफ ऑल फिजिकल एक्टिविटीज एंड योर सेंसरी परसेप्शन विच आर हैपनिंग उन कान से क्या सुना आँख से क्या दिखा नाक में क्या सूंघना स्पर्श से क्या हमें फील हुआ मुंह में रस कैसा रहा सुगंध दुर्गंध नाक में क्या गई इस सब के प्रति होश पूर्वक हो जाना बस अगर ये आपका हो गया तो मन भी अंतर्मुखी होगा और मौन फिर सिर्फ जीव का ही नहीं मौन फिर मन का भी होना चाहिए फाइनली जीव बंद करी तो घूंगे जो गूंगा है वो तो बोल ही नहीं सकता है तो so, ये जो स्पेशल लोग होते हैं हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो मौन में है ना ही उनको कोई मौन वाला लाभ मिलेगा वो एक चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं बहुत ब्यूटीफुली उस चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं इसीलिए हम उनको स्पेशल पर्सन बोलते हैं खास लोग बोलते हैं पर एक ये है कि हमारे पास जुबान है हम चटर पट्टर सारा दिन बोल सकते हैं पर फिर हम संकल्प करते हैं मैं बोलूंगा नहीं अब मैं बोलूंगा नहीं तब सक्सेसफुल होगा जब साथ में ये हुए कि मन कुछ सोचेगा भी नहीं मन कुछ सोच के पीछे भागेगा भी नहीं तो मन का टिकना मौन है जीव का चुप हो जाना मौन नहीं होता है पर जीव के चुप होने से हम मन के चुप होने तक की यात्रा को करते हैं